हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं एवाई एकेडमी, आदर्श युवा एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, यहां पर हम आपको समझा रहे हैं कि आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस यहां पर फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे इसका जो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहां पर आपको सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर इसके पश्चात आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैज ऑब्लिक हैव, फिर इसके पश्चात आपको लगाना है नॉट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, इसके पश्चात अदर वर्ड्स। इतना फ्रेंड्स ये आपका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, और उसके पश्चात नॉट लगाना है, और नॉट लगाने से ही आपको नेगेटिव सेंटेंस बनता है, और बिल्कुल वैसा ही रखना है जैसा सिंपल सेंटेंस होता है। आगे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो एग्जाम्पल है वो है तुम पढ़ नहीं चुके हो। यहां पर देखिए ये हो जाएगा यू। अब यहां पर देखिए कि यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे आएगा हैव, यू हैव, और इसके पश्चात नॉट, यू हैव नॉट रीड, यानी कि जो रीड है यहाँ पर रीड रेड रेड पढ़ते हैं, तो यहाँ पर रेड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में तीनों की जो स्पेलिंग है वो एक जैसी ही रहती है। अगला देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा गाय घास चर नहीं रही है। तो यहां पर हो जाएगा काउज हैव नॉट ग्रेजिंग, ओ ग्रेज्ड हो जाएगा, सॉरी यहां पे आपको ईडी लगाना है, आईएनजी नहीं, ग्रेज्ड। ये आपका ग्रेज में होता है घास चरना, और यहां पर हो जाएगा ग्रेज्ड, यानी ग्रेज का सेकेंड और थर्ड फॉर्म। आगे देखिए तीसरा, बच्चे बाजार नहीं जा चुके हैं, बच्चे बाजार नहीं जा चुके हैं। यहां पर हो जाएगा चिल्ड्रेन हैव नॉट गॉन, गो का थर्ड फॉर्म है, टू मार्केट फुल स्टॉप। इसके पश्चात आप देखिए चौथा जो सेंटेंस है वो हो जाएगा अजय और मोहन खाना नहीं खा चुके हैं। यहां पर देखिए अजय एंड मोहन,
यहाँ पर फ्रेंड्स जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा हैव, नॉट, ईटन द फूड। ये लास्ट सेंटेंस देख लीजिए इसका, पांचवा हो जाएगा मेरा भाई क्रिकेट खेल चुका है। माई ब्रदर यहां पे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा क्योंकि माई ब्रदर एकवचन सब्जेक्ट है। माई ब्रदर हैज नॉट प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड क्रिकेट। ये तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि ये आपके जो नेगेटिव सेंटेंस है इस तरह से आपको बनाना है। खासकर आपको ख्याल रखना है जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पश्चात आपको नॉट लगाना होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। नॉट लगाने से हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो हम इस वीडियो को, मेरा मानना है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। सभी सेंटेंस में हम उन्हें 5 सेंटेंसेस को लेकर चलते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगला जो वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। आप एंड स्क्रीन में क्लिक करके भी अगले वीडियो में जा सकते हैं जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो चलिए अगले वीडियो में चलते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।